हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम आए हुए एक छोटे किसान के यहाँ और उनसे हम जानेंगे कि ये जो सुपर हमारे पीछे देख रहे हैं, इनका एक छोटा सा फार्म है। अभी मैं फार्म का भी व्यू दिखाऊंगा आपको। फिलहाल हम जो किसान पाल रहे हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं सुपर के बारे में, कि वो क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं और क्या प्रॉब्लम आता है इसमें। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। हमारा नाम गुड्डू है। पूरा नाम बता दीजिएगा। गुड्डू लकड़ा। गुड्डू लकड़ा। गुड्डू लकड़ा जी, आप जो डिग्री फार्म कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? वही करीब 6-7 साल से मेरी माँ करती थी। अच्छा, मतलब कि आपके पूर्वजों से चलते आ रहा है इसमें। तो आपको जो पूर्वजों से चलते आ रहा है, तो 6-7 साल से कर रहे हैं, आपको इसमें क्या समस्या नज़र आता है कि पिगरी फार्म में क्या प्रॉब्लम आता है, दर्शकों को बताएं। प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि मतलब कि सुअर थोड़ा सा इसमें क्या बोलते ग्रोथ नहीं होता, प्लस ये इसमें ढीला वगैरह हो जाता है। और क्या हो, मतलब कि ढीला वगैरह, मतलब कीड़े वगैरह हो जाते हैं। हाँ, तो आप इसको खाने में क्या देते हैं? खाने में वही भूसा देते हैं, माड़ और ये हड़िया वाला हड़िया का वेस्ट, माड़ और भूसा वगैरह देते हैं। हाँ। हरा चारा में क्या देते हैं? हरा चारा वही घास फूस देते हैं जो बारी में हो जाता है वो। चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुड्डू लकड़ा जो है वो अपने फार्म को सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनके फार्म पे बस बीमारियां आता है और छोटे छोटे बीमारी आती है, जैसे कि कीड़े वगैरह जो परजीवी होता है, और परजीवी को मारने के लिए भी ये दवा वगैरह यूज़ करते हैं। और खाना खिलाने के लिए ये जो नॉर्मल खाना होता है वो नॉर्मल खाना ही खिलाते हैं, जो कि कितना रुपये पड़ जाता है आपको पर केजी? अगर पर केजी कॉस्ट जोड़ा जाए उसको, तो पर केजी क्या कॉस्ट पड़ता होगा आपका? वही भूसा लगभग 3-4 रुपये से मिल जाता है किलो। वही भूसा खिलाते हैं आप, गेहूँ का दर्रा और मकई सब। मतलब कि टोटल 10 रुपये के अंदर आपका सब क्लियर हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ओके। और हरा चारा, जैसे कि हम आपको ट्रेनिंग में बताते हैं कि फीड कॉस्ट कम रखिए और विटामिन्स के लिए हरा चारा दिया कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सुकर लोग जो है वो हरा चारा खा रहा है, ठीक है। और जो दर्शक देख रहे हैं जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव है क्या आपको? हाँ, सुझाव है सुगर फार्म में तो देखिए घर में रह कर भी मतलब ये काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मेहनती तो कम है और बेनिफिट है ज़्यादा हमको, तो जब से कर रहे तब से उनको इसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। खुले के दिन में आता है तो छोड़ देते हैं खुला। मतलब कि आप खुला भी चलाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब इनका कहना है कि आप खुला में भी रख सकते हैं, आप इसको खुला चरने के लिए भी छोड़ सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा फायदा है। और इसमें ज़्यादा समय देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी किसान करना चाहते हैं 1, 2, 4 से, वो आप कर सकते हैं। और जानकारी लेकर के कीजिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी रखिए। छोटा मोटा अगर आपका फार्म है तो आप छोटी मोटी जानकारी लेकर के रखिए, आपका फार्म बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। ये इनके सुकर हैं, ये हरा चारा खा रहा है, जो अभी सवेरे सवेरे के टाइम पे ये हरा चारा डालते हैं। अभी तो इन्होंने देखिए नाद बना रखा है, इसमें पानी और खाना डालते हैं। गर्मी का टाइम है इसीलिए पानी खाना डालना ज़रूरी है। और ये इनका फार्म है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन इनका नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। और ये फार्म है, जैसे कि एक नॉर्मल घर होता है उसी टाइप में इन्होंने अपने फार्म को बना के रखा है। जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रेनिंग में, कि कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा फार्म बनाइए या कुछ ज़्यादा इनोवेट कीजिए, नॉर्मल तरीके से इन्होंने रखा है।